साथियों, वो लोग जो किसी भी तरह का लोन लिया है और लोन नहीं चुका पा रहे हैं, उन्हें आरबीआई से राहत मिल सकती है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरह आप आरबीआई से मदद मांग सकते हैं, और यदि आरबीआई को लगा आपके केस में दम है तो आरबीआई आपको सपोर्ट जरूर करेगा। सबसे पहले तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, आपको विलफुल डिफॉल्टर नहीं बनना है। विलफुल डिफॉल्टर वो होते हैं जिनके पास पैसा हो और वो पैसा दे नहीं रहे होते हैं, देना नहीं चाहते होते हैं। तो आपकी स्थिति अगर ऐसी है कि आपके पास पैसे हैं और आप दे सकते हैं, तो पहले बात पैसे देने की कोशिश करिए। अगर आप पूरा अमाउंट नहीं दे सकते हैं, जितनी किश्त बनती है उतना नहीं दे सकते हैं, पार्ट पेमेंट में दे दीजिए। जितना परसेंट आप दे सकते हैं, 10% 20%, उतना पैसा डाल दीजिए। और कहाँ डालिए? अगर आपने लोन लिया तो लोन अकाउंट में डालिए, अगर क्रेडिट कार्ड लिया तो क्रेडिट कार्ड के जो नंबर है उसका ही अकाउंट होता है, उसी वही नंबर आपका अकाउंट नंबर होता है, उसके अकाउंट में डालिए, ताकि आपका वो आउटस्टैंडिंग से कम होता चला जाए। और जब आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं होंगे तो बैंक आपके ऊपर कार्रवाई भी ज्यादा नहीं करता है, और यदि बैंक फिर भी कार्रवाई करता है तो आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। आप आरबीआई में लेटर दे सकते हैं। आरबीआई की ईमेल आईडी है, वेबसाइट है www.cms.rbi.org.in, www.cms.rbi.org.in। यहां जाकर के आप वेबसाइट पर जाइए और वहां पर कंप्लेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले बैंक में अप्लाई करिएगा, बैंक में लेटर दीजिएगा, बैंक को रिक्वेस्ट करिएगा, और ये सारे प्रूफ आपको जब आरबीआई में आप अप्लाई करेंगे वहां मदद मिलेगी आपको। आरबीआई को बताइएगा कि मैंने बैंक से रिक्वेस्ट की थी, मेरा व्यापार बंद हो जाने के कारण, मेरे पास कमाई का साधन ना होने के कारण मैंने बैंक को लेटर भेजे, और 2-3 बार जो लेटर भेजे हो उनका भी रिकॉर्ड, जो मेल किए उनका भी रिकॉर्ड, जो फोन किया हो अगर आपने कॉल रिकॉर्ड किया हो तो उसका भी रिकॉर्ड, ताकि आरबीआई को भी लगे कि आपका केस जेन्युइन है, आपने अपनी तरफ से सारे प्रयास किए, बैंक आपको मदद कर सकता था लेकिन बैंक ने आपकी मदद नहीं की, तो उस केस में आरबीआई आपके फेवर में डिसीजन ले सकता है। आरबीआई को मेल भी कर सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर के भी कंप्लेंट कर सकते हैं, आरबीआई को डायरेक्ट लेटर भी भेज सकते हैं। कई लोग कहते हैं आरबीआई के एड्रेस की जरूरत होती है, उसमें सिर्फ अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिख देंगे लेटर पे तो वो दिल्ली में आकर के पहुंचेगा, फिर भी गूगल पर आपको एड्रेस भी मिल जाएगा। आप लेटर लिखिए और अपनी पूरी कार्रवाई बताइए, आप बैंक गए कब कब गए, क्या क्या हुआ, बैंक से आपने जब बात की तो क्या हुआ, आपका व्यापार बंद हुआ था, आपकी नौकरी छूट गई थी तब आपने बैंक को इंटीमेट किया था, आप किस्त नहीं भर पाएंगे, या आपके घर में कोई हादसा हो गया था, कोई समस्या आ गई थी, आपका घर में किसी की डेथ हो गई थी, कोई मिसहैपनिंग होने के कारण आप समय पर किस्त नहीं दे पाए, या आपके पास कमाई का कुछ साधन नहीं बचा इसलिए आप किस्त नहीं दे पाए, अपनी सारी कंडीशन बताइए। आरबीआई आपकी मदद के लिए बैठा हुआ है, आरबीआई जरूर मदद करेगा। बहुत सारे लोगों ने बताया कि जब उन्होंने आरबीआई में कंप्लेंट की और उनका जेन्युइन केस होने के कारण आरबीआई से फोन भी आया, आरबीआई ने बैंक को भी लेटर भेजा और बैंक ने उन्हें समय भी दिया, बैंक ने उनकी किस्त को कम किया, उनके लोन को रिस्ट्रक्चर किया, और बैंक से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और बैंक को भी बता सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि बैंक वाले हमारा लेटर नहीं लेते हैं, मैंने पहले भी बताया था अगर बैंक वाला लेटर नहीं लेता तो आप मेल करिए लेटर, बैंक मैनेजर को मेल करिए, उसका ईमेल आईडी मिल जाएगा, ब्रांच का ईमेल आईडी मिल जाएगा, उनके रीजनल मैनेजर का ईमेल आईडी मिल जाएगा, उनके स्टेट हेड का, कंट्री हेड का ईमेल आईडी मिल जाएगा, वहां मेल करिए, और साथ में वित्त मंत्रालय को, आरबीआई को, अपने राज्य के मुख्यमंत्री को, राज्य के वित्त मंत्रालय मंत्री को, उनको भी लूप पे लीजिए, उनका सबके ईमेल आईडी आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, वित्त सचिव को लीजिए, इन सभी को अगर लूप में लेकर के मेल डालेंगे तो बैंक वालों को भी जवाब देना पड़ेगा, और आरबीआई को और बैंक को भी लगेगा कि ये व्यक्ति सीरियस है, इसकी परेशानी है, तो ये परेशानी का हल चाहता है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। बैंक को सपना नहीं आएगा, मैंने बार बार कहा है, बैंक को सपना नहीं आएगा कि आप आज आपकी स्थिति खराब है, आपको बैंक को बताना पड़ेगा। साथियों, आपकी लड़ाई है, आपको खुद लड़नी पड़ेगी, मैं गाइड कर सकता हूँ, मेरी टीम गाइड कर सकती है, मदद कर सकती है, आपको किसी तरह की लीगल एड चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, हम वकील नहीं देंगे लेकिन हमारा वकील जो है वो आपको गाइड कर सकता है लीगल तरीके से, हमारे पास पूरी लीगल टीम है, तो आप यहाँ बात कर सकते हैं कि लीगल टीम का नंबर चाहिए, मेरा पेज है शाहनवाज चौधरी भारतीय, वहां जाइए, पहली पोस्ट मिल जाएगी, उसमें लिंक मिल जाएंगे, अलग अलग ट्रेनिंग का लिंक भी मिल जाएगा, फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा, मेरी टीम में जुड़ना उसका भी लिंक मिल जाएगा, फोन नंबर मिल जाएंगे, जिस राज्य का नंबर चाहिए उन फोन नंबर पे फोन करिए, उस राज्य का नंबर मिल जाएगा, और वहां टीम से रिक्वेस्ट करिए मुझे लीगल टीम का नंबर चाहिए, वो आपको उस राज्य की लीगल टीम का भी नंबर दे देंगे, मैं और मेरी पूरी टीम आपकी मदद करेगी, आरबीआई भी आपकी मदद करेगा, लेकिन आपको इनिशिएटिव खुद लेना पड़ेगा, लड़ाई आपकी है, पैसा आपका है, मेहनत की कमाई आपकी है, अगर आपका घर गाड़ी कोई बैंक के पास गिरवी है और आप चाहते हैं उसको बचाना है तो आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मेहनत के साथ पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़िए, हम भी आपकी मदद करेंगे और आरबीआई भी आपकी जरूर मदद करेगा।